डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष FYBA प्रथम वर्ष BA के में हिंदी मुख्य अथवा गौण विषय लेकर के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हम उनके पहले प्रश्न पत्र हिंदी कहानियाँ और उपन्यास के पहले खंड हिंदी साहित्य का परिचय से पहली इकाई साहित्य की अवधारणा लेकर के आए हैं। मित्रों, हम जब साहित्य पढ़ने जा रहे हैं और वस्तुतः साहित्य आप पहले से पढ़ भी रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी साहित्य शब्द का क्या अर्थ है और उसकी क्या अवधारणा है, साहित्य से क्या समझा जाए, इसको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो इसी ये बात आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, इसी के लिए हम यह इकाई लेकर के आए हैं। ये व्याख्यान इसी इकाई पर आधारित है। इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि आप साहित्य शब्द का व्युत्पत्ति मूलक, व्यापक और रूढ़ अर्थ समझ लें। विभिन्न दृष्टियों से साहित्य की जो परिभाषाएं दी गई हैं, संस्कृत साहित्य से लेकर के पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई और फिर हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, वो जान लें। और साहित्य क्यों रचा जाता है, यानी प्रयोजन उसका क्या है, किस वजह से साहित्य रचना होनी चाहिए, तो वो थोड़ा हम जान लें। इस इन तीन मुख्य बातों पर यह इकाई आधारित है। सबसे पहले देखें कि साहित्य शब्द का अर्थ क्या है। तो साहित्य शब्द का एक तो व्युत्पत्ति मूलक, आप जानते हैं हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से निकली है और संस्कृत में प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई मतलब वो किन्हीं शब्दों दूसरे शब्दों से मूल शब्दों से मिलकर बना होता है और उसका एक खास अर्थ निकलता है। और हिंदी में भी जो संस्कृत शब्द आए हैं उन सब का उसी प्रकार से अर्थ निकाला जाता है। इसको व्युत्पत्ति मूलक अर्थ कहते हैं। तो जो साहित्य शब्द है वो भी संस्कृत मूल का शब्द है और ये इसका अर्थ है सहितस्य भावम, साथ होने का भाव। सहित यानी साथ होने का भाव, तो साथ होने के भाव को ही साहित्य कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि साथ होना या कि यानी किसका साथ होना, तो शब्द और अर्थ का साथ होना। जब शब्द और अर्थ साथ होते हैं तब वह साहित्य कहलाता है। तो मित्रों, आप कहेंगे कि शब्द और अर्थ तो हमेशा ही साथ रहते हैं, ऐसा कब होता है कि शब्द अलग और अर्थ अलग हों। हमको जब भी जो जिस अर्थ को अभिव्यक्त करना होता है तो शब्द के माध्यम से ही करना होता है, तो शब्द और अर्थ तो साथ होते ही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो शब्द और अर्थ का साथ होना, इस ये जो हमेशा ये रहता है, इसी को लेकर के इसका जो व्यापक अर्थ बनता है वो यही है कि भाषा के माध्यम से जो भी हम कहते हैं, यानी शब्दों के माध्यम से हम जो कुछ भी कहते हैं वो सब साहित्य है। ये साहित्य शब्द का व्यापक अर्थ है। पहले देखिए, पहले हम देख रहे हैं व्युत्पत्ति मूलक अर्थ। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ हुआ साहित्य शब्द का, जो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ हुआ शब्द और अर्थ का सहभाव, यही साहित्य शब्द का मूल अर्थ है। ठीक है, अब इसी अर्थ के आधार पर जो साहित्य शब्द का व्यापक अर्थ बनता है। तो भाषा के माध्यम से जब भी हम शब्दों के माध्यम से कुछ भी कहते हैं तो वो सब साहित्य हो जाता है। तो कविता, कहानी, उपन्यास भी, और धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित के सिद्धांत, आयुर्वेद के सिद्धांत, या यहाँ तक कि जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उसके सिद्धांत, अभियंत्रिकी माने इंजीनियरिंग के जो सिद्धांत जो कहा गया, विज्ञापन का जो टेक्स्ट होता है, या किसी कोई भी आप सामान खरीदते हैं उसके साथ भी आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है, उसका मैनुअल मिलता है, वो सब साहित्य कहलाता है। व्यापक अर्थ में ये सब साहित्य कहलाते हैं और अलग अलग क्षेत्र में
इनको कहा भी जाता है। जैसे संगीत के विद्यार्थी हैं वो भी कहते हैं साहित्य, तो वो साहित्य किसको कहते हैं? तो साहित्य वो जो गीत गाते हैं, जो वो बोल होते हैं गीत के, उसको साहित्य कहते हैं। नृत्य में जो नृत्य होता है, तो आपको मालूम है कुछ नृत्य केवल ध्वनियों के ऊपर होता है, यानी कोई उसमें शब्द, सार्थक शब्द नहीं होते हैं। तक तक किट किट धम धम, इस तरह का जो शब्द है उस तरह उस इसकी रचना होती है, उस पर नृत्य होता है, फिर बीच में गीत भी आते हैं। तो कहते हैं नृत्य के विद्यार्थी उन जो बीच में गीत के एक एक लाइन आती है उसको साहित्य कहते हैं। फिर जो आपको जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी खरीदे, फ्रिज खरीदे, टीवी खरीदे, तो उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है, उसके बारे में लिखा हुआ मिलता है, तो उसको भी लिटरेचर कहते हैं, साहित्य कहते हैं। तो इसी तरह से आप शोध के जो विद्यार्थी होते हैं, तो वो किसी भी विषय के शोध के विद्यार्थी हों, सामाजिक विज्ञान के हों, राजनीतिक विज्ञान के हों, विज्ञान के हों, है किसी भी विषय में वो शोध कर रहे हों, तो उनके लिए जो पठित सामग्री होती है, उनको अपने शोध के लिए जो कुछ भी पढ़ना पड़ता है, वो पत्रिकाओं के रूप में हो, वो लेखों के रूप में हो, वो शोधालेखों के रूप में हो, तो उन सभी को सम्मिलित रूप से वो कहते हैं साहित्य। आप अगर किसी विद्यार्थी को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो शोध कर रहा है, तो वो बताएगा कि उसका जो पहला या दूसरा चैप्टर थीसिस का बनता है, उसकी प्रबंध का बनता है, तो वो है साहित्यावलोकन या लिटरेचर रिव्यू। तो यहाँ पर लिटरेचर इसी अर्थ में है, शब्द और अर्थ के स्वभाव, कि वहाँ पे शब्द अर्थ दोनों आया है, तो ये जो व्यापक अर्थ बनता है कि किसी भी तरह का, किसी भी तरह भाषा में कुछ भी कहा जाए, वो सब साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, तो उस अर्थ में वहाँ पर इन जगहों पर साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो साहित्य का शब्द, साहित्य शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, और किस कहीं पर भी जहाँ भाषा की बात आए, जहाँ भाषा में लिखा हुआ कुछ आए, उसको साहित्य कहा जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि आप उसको साहित्य नहीं कहते हैं, आप आरंभ से पढ़ रहे होंगे, तब से बहुत छोटे होंगे तब से, आपको जो है आपके कक्षा में कभी कुछ इस तरह के वाक्य कहते होंगे, अध्यापक ने पढ़ाते समय बताया होगा कि शेक्सपियर का साहित्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है, या गुरुदेव के साहित्य को नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ, या कोई कहता है कि मेरे पिताजी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो यहाँ पर जब साहित्य की बात आती है, तो साहित्य का ये व्यापक अर्थ वहाँ पे नहीं होता है, ये रूढ़ अर्थ होता है, ये सृजनात्मक साहित्य के लिए कहा गया है, यानी कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण, रेखा चित्र इत्यादि इत्यादि, निबंध, जो भी इस तरह की जो विधाएं, तमाम विधाएं हैं जो रची जाती हैं, है ना, जिस पर लेखक लिखते हैं, वो साहित्य कहलाता है, वो सृजनात्मक साहित्य है। तो प्रमुख रूप से साहित्य शब्द का प्रयोग किसी भी भाषा में रचे गए सृजनात्मक साहित्य के लिए ही होता है। तो साहित्य जब भी हम कहते हैं, तब हमारे मन में जो परिकल्पना सबसे पहले आती है वो इसी सृजनात्मक साहित्य की आती है। जब हम कहते हैं हिंदी का साहित्य, अंग्रेजी का साहित्य, तो हम अंग्रेजी में लिखी हुई विज्ञान की पुस्तकों की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उसमें मनोविज्ञान की पुस्तकों की भी बात नहीं कर रहे होते हैं, उसमें हम अंग्रेजी के नॉवेल, अंग्रेजी की पोयम, अंग्रेजी की स्टोरी, उसकी बात कर रहे होते हैं। तो साहित्य शब्द मुख्य रूप से और एक तरह से निश्चित रूप से सृजनात्मक साहित्य, जो जिसको कि लेखक रचते हैं, ऐसे साहित्य के लिए प्रयुक्त हो गया है। तो इस तरह से साहित्य शब्द के तीन अर्थ आपने जाने, एक व्युत्पत्ति मूलक अर्थ जिसमें सीधा मतलब है शब्द और अर्थ का सहभाव, ये उसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ हुआ। फिर व्यापक अर्थ जिसमें भाषा में की गई किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति, जिसमें भी शब्द और अर्थ आए, जहाँ पर भी एक साथ आए, उसको साहित्य कहा जा सकता है, वो साहित्य का व्यापक अर्थ हुआ। और सृजनात्मक साहित्य के लिए जहाँ पर रूढ़ हो गया, जहाँ हम साहित्य शब्द से कविता, कहानी इत्यादि को ही समझते हैं, तो वो
सृजनात्मक साहित्य को ही समझते हैं तो वो साहित्य का रूढ़ अर्थ है लेकिन प्रमुख अर्थ बन गया है आज। तो ये साहित्य शब्द का अर्थ हुआ। अब आइए मित्रों हम थोड़ा परिभाषा पर नज़र डालें कि परिभाषा किस प्रकार साहित्य की गई है। तो चूंकि हमारी हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है और हम व्याकरण हो काव्यशास्त्र हो इन सभी के लिए हम संस्कृत की तरफ एक बार देखते हैं, प्रामाणिकता के लिए हम हमेशा संस्कृत की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर भी साहित्य को भी हम पहले संस्कृत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार संस्कृत में बताया गया है। तो संस्कृत में भी जो आरंभिक बिल्कुल परिभाषाएँ दी गई थी उनको कुछ को लिया गया है यहाँ पर। तो एक है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये तो वही बात है जो हमने बताया जो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है, शब्द और अर्थ के का सहभाव ही काव्य है। तो इन्होंने भामह उन्होंने अब काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा, 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुए थे। तो इन्होंने बताया, ये बिल्कुल आरंभिक है, कहते हैं कि जो परंपरा शुरू हुई अलंकार शास्त्र की संस्कृत में वो भामह से शुरू होती है। उसके पहले का नाट्यशास्त्र मिलता जो है, नाट्यशास्त्र बहुत बृहद ग्रंथ है और उसमें सब कुछ उसमें माने बाद की जो परंपरा सब विकसित हुई है वो सब कहीं ना कहीं जाकर उसका बीज नाट्यशास्त्र में सब में है ही। लेकिन नाट्यशास्त्र चूंकि नाम ही उसका नाट्यशास्त्र है तो वो नाट्य से अधिक जुड़ गया, या कहिए कि सब पहले जो है सारी विधाओं में नाट्य विधा सबसे सर्वप्रमुख थी तो उस पर केंद्रित होने के कारण केंद्र में नाट्य है वहाँ पे। और उसके बाद जो ये परंपरा 6वीं शताब्दी से भामह के साथ शुरू होती है वो अलंकार शास्त्र की ज़्यादा वो काव्य पर लिखित काव्य पर ज़्यादा आधारित हो गई। नाट्य जो है वो प्रायोगिक कला थी, लिखा भी जाता था लेकिन प्रयोग किया जाता था। और भरत का नाट्यशास्त्र जो है वो प्रयोग पर ज़्यादा आधारित है, उसमें प्रयोग की बात बताई है। साहित्य माने साहित्यिक जो उसका स्वरूप है उसकी भी बात जरूर हुई है, जैसा कि मैंने कहा कि बात के अलंकार शास्त्र का बीज वहाँ मिलता है लेकिन वो बीज रूप में है। तो जो उसका पल्लवन शुरू हुआ वो यही भामह 6वीं शताब्दी से शुरू होता है। तो ये पहली परिभाषा कह सकते हैं। और जो पहली परिभाषा है वो हमारी जो व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा है उससे आती है। फिर दंडी आते हैं 7वीं शताब्दी में काव्यादर्श में, वो कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम काव्य का जो शरीर है वो क्या है, इष्टार्थ को देने वाली पदावली है, यानी इच्छित इष्टार्थ माने जो इच्छा हो जो चीज़ हम कहना चाहते हैं। साहित्य में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो शब्दों से हम कह पाएं। मित्रों ये बात ध्यान रखिए, जब हम वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप दो लोगों के बीच में होता है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई एक बोलने वाला होता है दूसरा सुनने वाला सामने बैठा होता है। तो उसमें उस स्थिति में यदि बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो सुनने वाला पूछ सकता है कि मुझे इसका अर्थ नहीं समझ में आया, आप बताइए। लेकिन जब काव्य रचना होती है, काव्य रचना करता है लेखक या किसी भी तरह का साहित्य रचता है, तो उस समय उसके पाठक या श्रोता जो भी कहिए वो सामने नहीं होते, वो कह जाता है बातों को। और फिर जब वो श्रोता या उसके पाठक के सामने जाती है तो वो उसको अपने तरीके से लेता है, है ना। उसको जो चीज़ें पता है उसके उसकी जो भावनाएं हैं उसका जो उसके उसने जो कुछ पढ़ा लिखा है उसके आधार पर वो उसका अर्थ करता है। तो कई बार ये होता है कि लेखक कहना तो कुछ और चाहता है लेकिन पाठक तक कुछ और संप्रेषित हो जाता है। तो वो पाठक लेखक का इच्छित अर्थ तो नहीं हुआ जो अगर दूसरा अर्थ कोई संप्रेषित हो गया। तो इसीलिए कहा है कि शब्द ऐसे प्रयोग करने चाहिए कि जो कहना चाहता है निश्चित रूप से वही चीज़ पाठक तक या श्रोता तक पहुँचे, वो बदल ना जाए। तो इसीलिए कहा कि इच्छित अर्थ से युक्त जो पदावली है वही काव्य कहलाएगी। अब कहा जाए कुछ और समझा जाए कुछ और तो वैसे रचना को काव्य नहीं कहा जाएगा। तो ये उसके शरीर पर उसके जो कैसे माने रचने में क्या खास बात होनी चाहिए इसको लेकर के दंडी ने कहा। फिर और आगे बढ़ते हैं तो वामन आते हैं, वो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति उनके ग्रंथ का नाम है, 8वीं शताब्दी में। तो उन्होंने कहा
काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर वर्तते। तो उन्होंने कहा कि खाली इतनी ही बात नहीं है कि इच्छित अर्थ को कह दे, इच्छित अर्थ को कहने वाला तो होना ही चाहिए, ये तो उसकी प्राथमिक शर्त है, लेकिन साथ में वो शब्दार्थ गुण और अलंकार से भी सुशोभित होना चाहिए। देखिए मित्रों, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय गुजरता है उस पर शोध और होता जाता है, विद्वान और ज़्यादा अच्छी तरह से सोचते हैं और वो और ज़्यादा परिमार्जित होता जाता है ना, कोई भी चीज़ हो। तो इसी तरह से यहाँ पे साहित्य की जो परिभाषा करने की का प्रयत्न किया है, यहाँ पर एक और बात बताएं कि काव्य 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 शब्द आ रहा है इन जितनी भी परिभाषा संस्कृत की दी जा रही है, और हम तो साहित्य की परिभाषा की बात कर रहे हैं। अब भी आप कहेंगे कि साहित्य काव्य तो एक अंग है साहित्य का, उसमें और भी तो गद्य रचनाएं भी तो हैं, तो क्यों काव्य की बात हो रही है? तो मित्रों, संस्कृत में काव्य जो शब्द है वो वस्तुतः साहित्य का पर्यायवाची माना गया है। माने उस समय एक तो ये एक तथ्य है कि जब साहित्य रचना शुरू हुई तो काव्य से ही शुरू हुई। प्रारंभिक जो सबसे मिलते हैं वो काव्य ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा नहीं जाता था, केवल मौखिक होता था, और मौखिक होने में जितना लयबद्ध होगा उतना उसको याद रखना संभव हो सकेगा, अधिक सुकर होगा, अधिक आसानी से उसको याद रखा जाएगा लंबे समय तक। आप देखिए, आप अगर आज अपने बचपन की पढ़ी हुई कोई कविता याद करें तो आप पूरी की पूरी कविता हो सकता है सुना जाए, अपने बिल्कुल बचपन एकदम बच्चा क्लास में जो पढ़ी है वो भी आप पूरी की पूरी ज्यों की त्यों सुना जाए। अब कहानी याद करिए, कहानी भी पढ़ी होगी उस समय, लेकिन कोई कहानी आपको पहले तो याद ही नहीं आएगी, और याद आ भी गई तो आप पूरे का पूरा ज्यों का त्यों तो नहीं सुना पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर कर देंगे, दो चार वाक्य छूट जाएंगे, दो चार वाक्य आप अपने से गढ़ के जोड़ देंगे, तो ऐसा होता है। तो गद्य को ज्यों का त्यों याद रखना बहुत मुश्किल होता है, पद्य को बहुत आसान होता है, आप कभी भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। तो नया पढ़ा मतलब नई भी आप एक कविता याद करिए और एक पैराग्राफ याद करिए, देखिए कौन आसानी से याद होता है और किस में मुश्किल आती है। तो इसलिए पहले तो आप जानते हैं कि उस समय कागज़ नहीं था, लिखने की सुविधा नहीं थी, तो सब याद करके रखना होता था, तो इसीलिए सारी रचनाएं छंदोबद्ध हुई, काव्य में हुई, तो काव्य ही प्रमुख हो गया। तो काव्य जब कहा जाता है तो उसमें वो साहित्य की जितनी जो भी हो सकता है सृजनात्मक लेखन उन सब को शामिल कर लेते हैं, है ना। तो गद्य को भी गद्य काव्य कहा जाता है, गद्य काव्य भी संस्कृत में है, गद्य है, लेकिन उसको भी गद्य काव्य कहा जाता है। तो इस तरह से काव्य जो है एक तरह से कहना चाहिए जिस अर्थ में आज हम साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत काल में उसी अर्थ में काव्य शब्द का प्रयोग होता था, तो इसीलिए काव्य की बात कही गई है। तो ये धीरे धीरे परिष्कृत होता गया, पहले खाली शब्द और अर्थ की बात की गई पहली परिभाषा में, दूसरी में उसके साथ में उसको कहा गया कि नहीं, इष्ट अर्थ को देने वाले, इच्छित अर्थ को देने वाला होना चाहिए वो शब्दार्थ, और फिर उसके बाद कहा कि नहीं, इसको गुण और अलंकार से भी सुशोभित होना चाहिए, साधारण नहीं, थोड़ा सा विशिष्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद और दिया गया, तो मम्मट है 12वीं शताब्दी के, उन्होंने काव्य प्रकाश में दी, ये परिभाषा ऐसी है कि लगभग मान्य है, इसके पहले माने आज तक जो सबसे मान्य है, संस्कृत में काव्य की परिभाषा देने के लिए कहा गया और एक ही परिभाषा का एक परिभाषा दीजिए संस्कृत में जो काव्य की दी गई है, तो मम्मट की जो दी गई परिभाषा है उसको लगभग त्रुटिहीन मानते हुए उसको ही दिया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, तदोषौ शब्दार्थौ गुणावनलंकृति पुनः क्वापि, है ना, वो अदोष दोष रहित होनी चाहिए, रचना में दोष नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का दोष। फिर उनका लंबा वर्णन है कि क्या क्या दोष हो सकते हैं, तो उसमें वर्तनी दोष से लेकर के व्याकरण दोष से लेकर के भावनाओं के माने विचारों के दोष से लेकर के और गुण और अलंकार के दोष से सभी प्रकार के दोषों का वर्णन उन्होंने किया है। तो दोष किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, शब्दार्थ तो होने ही चाहिए, शब्दार्थ होंगे और फिर गुणों से युक्त हो, और अलंकृति माने अलंकार कहीं हो कहीं ना तो भी चलेगा। माने उनका कहने का अर्थ क्या था, अलंकार कहीं, इसके पहले आप देखिए वामन जो है वो कहते हैं गुण और अलंकार से युक्त होनी चाहिए। तो अब वही हम बताए ना, ज़्यादा सूक्ष्म आती सूक्ष्म सूचने गए तो
सोचने गए कि अलंकार जो है, अलंकार भी आप जानते हैं संभवतः पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अपने बचपन में, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इसी तरह से बहुत सारे अलंकार, बहुत संस्कृत में तो एकदम बहुत विशाल परंपरा है अलंकारों की, बहुत सारे अलंकार हैं, शब्दालंकार अलग, अर्थालंकार अलग, तो बहुत सारे कवि उसी में फंसे रह जाते हैं, मतलब अलंकारों को रखने के चक्कर में उन भावनाओं का सत्यानाश कई कई बार हो जाता था। तो उससे बचने के लिए देखिए वो सब 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी की बात थी, फिर ये 2-4 शताब्दियाँ और बीत गई, बहुत सारी काव्य रचनाएं हो गई और बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई, तो ये बात समझ में आई कि नहीं, अलंकार होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, अलंकार से अच्छा लगता है, लेकिन गुणों का महत्व ज़्यादा है। गुण, अब ये सब संस्कृत के संदर्भ में है, गुणों का खास मतलब होता है, शब्द और इसके ओज माधुर्य आदि गुण होते हैं, तो उसके विषय में हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन बस यही खास बात है कि ये इन्होंने जो मुख्य बातें हैं जो काव्य में होनी ही चाहिए उस पर जोर दिया कि दोषयुक्त नहीं होना चाहिए, अदोष होना चाहिए काव्य को, फिर गुण होने चाहिए जरूर, बिना गुण के तो काव्य नहीं होगा, लेकिन अलंकार जहाँ आते हो आने दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती ठूस ठूस के अलंकार डालना उचित नहीं है, ना हो कहीं पर लेकिन आपकी सुंदर अभिव्यक्ति हो रही हो बिना अलंकार के भी, तो वो भी काव्य के रूप में मान्य होगी, श्रेष्ठ काव्य के रूप में मान्य होगी। फिर इसमें उन्होंने रस की बात नहीं की, संस्कृत साहित्य में रस बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत साहित्य शास्त्र में रस की जो उद्भावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्भावना है, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में, इस कक्षा में नहीं, आगे जब और आप हिंदी का अध्ययन करेंगे तो आप रस के विषय में पढ़ेंगे, तो रस एक बहुत ही मौलिक उद्भावना है भारतीय साहित्य शास्त्र की, तो ये रस की बात इन्होंने इसमें नहीं की, क्यों, क्योंकि रस जो है बहुत ऊंची चीज़ है, तो अगर रस कहेंगे कि रस युक्त होना चाहिए, अगर गुण की जगह रस की बात कह दिया, तो ऐसे तमाम काव्य जो उतने रसयुक्त तो नहीं है लेकिन ऐसे अच्छे हैं, जैसे कि आप अभी आप देखिए जो बच्चों की कविताएं हैं, तुकबंदियाँ हैं कुछ कुछ, अब वो तुकबंदियाँ भले ही वैसे बहुत उच्च कोटि की ना लगे लेकिन बच्चों को के लिए खेलने के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, और उनकी भी कुछ काव्य की उनकी माने प्रतिष्ठा तो काव्य के रूप में है ये थोड़ी सी, है ना, तो ऐसे तमाम काव्यों को काव्य क्षेत्र से बाहर न कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने रस की बात नहीं की। लेकिन जब 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ आते हैं तो साहित्य दर्पण उनका ग्रंथ है, तो उसमें वो कहते हैं ना ना, बिना रस के तो काव्य कहे, जो रस युक्त है वही काव्य है, बाकी कुछ काव्य नहीं कहलाएंगे, बाकी सब बेकार चीज़ें हैं, यूँ कहना नहीं चाहिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वह वाक्य जो रस युक्त हो वही काव्य है, बाकी कुछ भी काव्य नहीं है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ, ये अलंकार शास्त्रीय परंपरा के लगभग अंतिम आचार्य माने जाते हैं, इसके बाद भी ग्रंथ मिलते हैं लेकिन उतना उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली है, ये अंतिम प्रतिष्ठित ग्रंथ है रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का, उसमें उन्होंने कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, उन्होंने सीधे फिर वही एक तरह से कहना चाहिए कि दंडी के पास वो पहुंच गए कि सुंदर अर्थों को अभिव्यक्त करने वाला शब्द काव्य है, अच्छे अर्थ जो कवि जो संप्रेषित करना चाहता है वैसे शब्द अगर काव्य में हैं तो वो माने वो वैसे शब्दों की अगर रचना हुई है तो वो काव्य है, अब उसमें गुण है, रस है, अलंकार है, ये सब ऊपर की बात है, ये हो ना हो ना हो, लेकिन मुख्य बात यही है कि उसमें कवि का जो अभिव्यक्त करना चाहता है, रचनाकार जो कहना चाहता है वो हो और अच्छे शब्दों में हो, तो ये फिर वो मूल पर लौट आए। तो इस तरह से साहित्य संस्कृत की साहित्यिक परंपरा में, साहित्य शास्त्रीय परंपरा में जो प्रमुख है वो बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसमें जो मुख्य बात जो निकल करके आती है वो यही है कि संस्कृत आचार्यों ने शब्द और अर्थ दोनों को समान महत्व दिया, ठीक है, और कहा कि ऐसे सटीक और शब्द देने चाहिए कि जो सही अर्थों मतलब वही अर्थों को व्यक्त करें, दूसरे दूसरे अर्थ
को व्यक्त न करने लगे। तो ऐसे सुंदर अर्थों को व्यक्त करने वाले, जो इच्छित अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, वो काव्य कहलाएंगे। और शब्द और काव्य, शब्द और अर्थ दोनों समान महत्व रखते हैं। माने ऐसा नहीं है कि शब्द आप कुछ भी इस्तेमाल करिए और अर्थ उसका अगर ठीक ठाक संप्रेषित हो जा रहा है तो बस काव्य होगा, ना नहीं होगा। और उसी तरह से अगर खाली शब्द, ये अर्थ अच्छा नहीं निकल रहा है, शब्द बहुत अच्छे अच्छे रख दिए हैं, तो काव्य हो जाएगा तो भी नहीं होगा, शब्द और अर्थ दोनों। ये खास इस बात के लिए भी कहा गया कि संस्कृत में जो परंपरा है, एक वेद की है, एक शास्त्र है और एक साहित्य है। अगर मोटे रूप से हम देखें, संस्कृत वाङ्मय को देखें, तो एक वेद की परंपरा है, एक शास्त्र की परंपरा है और एक साहित्य की परंपरा है। तो वेद की परंपरा है, उसमें शब्द ही महत्वपूर्ण है। आप देखें, वेद मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से हो, उसके लिए पूरा शास्त्र, पूरा नियम बना हुआ है, जो यानी सदियों से वेद लगभग 3000 साल पुराने, 4000 नहीं, हम कम से कम करें तो भी 3500 साल पुराने हैं, एकदम बिल्कुल खींच के पास ले आते हैं तो भी, नहीं तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराने हो। तो तब से आज तक वेदों को उच्चरित करने की एक निश्चित परंपरा बनी हुई है, उसी तरह से वो उच्चरित होते हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि शब्दों के उच्चारण से एक तरह का वाइब्रेशन होता है, एक तरह की तरंगे उत्पन्न होती हैं जो प्रभाव डालती हैं प्रकृति पर, मनुष्य पर, सब पर प्रभाव डालती हैं। तो वो वहाँ पर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थ उसका क्या निकलता है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वेद मंत्रों के अर्थ करने की परंपरा बहुत नई है और बाद में शुरू हुई, उसके पहले कोई वेद मंत्रों के अर्थ नहीं करता था, उसको उच्चारण करना ही उसका महत्वपूर्ण था। तो वहाँ वेद शब्द, वेद को जो है वो शब्दमय कहा गया है, वो शब्द वहाँ महत्वपूर्ण है। शास्त्र में अर्थ महत्वपूर्ण है। अब शास्त्र में जो विभिन्न तरह के शास्त्र हैं, मतलब चिकित्सा शास्त्र कह लीजिए या रसायन शास्त्र कह लीजिए, भौतिक शास्त्र कह लीजिए, किसी भी तरह का शास्त्र, सब शास्त्र की पुस्तकें संस्कृत में मिलती हैं। तो उनमें जो बातें कही गई हैं, वो जो बताया गया है जो शास्त्र में, वो ये शब्द प्रयोग करके कहें कि ये शब्द प्रयोग करके कहें, वो बहुत विचारणीय नहीं है। उसका अर्थ सही निकलना चाहिए। मतलब अर्थ अगर सही निकल रहा है तो पेड़ को पादप कहा गया है कि तरुवर कहा गया है कि वृक्ष कहा गया है, इसका कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। तो वहाँ अर्थ महत्वपूर्ण है। लेकिन साहित्य एक ऐसी जगह है जहाँ पर शब्द ही भी महत्वपूर्ण है और अर्थ भी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों जो है महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज हम अपना व्याख्यान यहाँ तक रखते हैं, जहाँ पर आपने संस्कृत साहित्य में, संस्कृत की साहित्य शास्त्रीय परंपरा में क्या साहित्य की परिभाषा कही गई है ये समझा, और साहित्य के मूल, साहित्य के अर्थ को, तीन तरह के उनके, उसके जो तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं, उसके, उसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, उसका व्यापक अर्थ और उसका रूढ़ अर्थ, वो क्या है वो आपने समझा। मित्रों, आज हमने संस्कृत साहित्य शास्त्र में साहित्य की जो परिभाषा दी गई है उसके विषय में जाना, और इसके पहले हमने साहित्य में कौन सी, साहित्य के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं, उनका, उसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, उसका व्यापक अर्थ और उसका रूढ़ अर्थ, ये जाना, इस पर विशेष चर्चा की। अब अगली कक्षाओं में हम पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में किस प्रकार से साहित्य की चर्चा हुई है और हिंदी में क्या साहित्य की परिभाषा दी गई है, इसके विषय में हम विचार करेंगे। तो तब तक आप अपने पाठ पढ़ना आरंभ कीजिए, तो आपको आज के व्याख्यान का जो विषय है और भी स्पष्ट होगा। और यदि आपको कोई, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो आप इस ईमेल आईडी bau.ba.hindi@gmail.com पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ईमेल भेजते समय आप कुछ सूचनाएं, अपनी, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, और कोर्स कौन सा आपने लिया है वो आप अवश्य लिखें, और अपना प्रश्न भेजें तो आपको अवश्य उत्तर मिलेगा। तो अपना पाठ आरंभ कीजिए, तब तक के, अगली कक्षा तक के लिए नमस्कार।